देखो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? अगर तुमको डर नहीं लग रहा है बोर्ड से, अगर तुमको डर नहीं लग रहा है तो तुमको दिक्कत है, अगर तुमको डर लग रहा है तो तुम नॉर्मल हो। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो सिचुएशन एबनॉर्मल है और तुम्हारा बिहेवियर एबनॉर्मल है तो तुम नॉर्मल हो। इफ द सिचुएशन इज एबनॉर्मल एंड योर बिहेवियर इज एबनॉर्मल दैट मींस यू आर नॉर्मल, बट इफ द सिचुएशन इज एबनॉर्मल एंड योर बिहेवियर इज नॉर्मल देन यू आर एबनॉर्मल। समझे? अगर सिचुएशन में नर्वस होना बनता है तो तुम नर्वस हो रहे हो तो ठीक है, तुम नॉर्मल हो। बोर्ड के एग्जाम से एंजाइटी होगी, थोड़ा थोड़ा लगेगा क्या होने वाला है, बटरफ्लाईज कूदेंगी, अरे मेरी जिंदगी में मार्कशीट में कुछ नहीं, ये हमेशा परमानेंट हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, होगा वो। लेकिन अगर वो डर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो तुमको दिक्कत होनी चाहिए। क्या सर ये नंबर मैटर करते हैं क्या हमारे जीवन में? 0% मैटर करते हैं। आज तुम क्या नंबर लाते हो वो 0 मैटर करते हैं। मेरे को ऐसा लगता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि तुम्हारे क्या नंबर आए। अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं, अलक पांडे सर के पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है क्लास 12th और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट लाइव वॉलंटियरिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला उनके नाम पे है। कितना ही फर्क पड़ गया ना नंबर लाने से, कितना ज्यादा ही फर्क पड़ता है नंबर लाने से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इंसान का इंटेंट सही होना चाहिए, उसकी सोच सही होनी चाहिए, बाकी तो सब ठीक ही हो जाता है लाइफ में, मेहनत करोगे तो सब मिलेगा। दिक्कत तुम्हारी भी नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती का लोड डाला जाता है। स्कूल जाओ 8 घंटे बर्बाद करो और फिर आके ट्यूशन पे पढ़ो। क्यों? स्कूल में पढ़ा दो ना। स्कूल में ही अगर हमारे स्कूल इतने स्ट्रांग हो जाएं तो हमारा बच्चा घर आने के बाद गिटार बजा सकता है, वो कोडिंग सीख सकता है, वो बच्चों के साथ खेल सकता है। लेकिन नहीं, वो 8 घंटे स्कूल में उसका वक्त बर्बाद करेंगे, उसका टाइम वेस्ट करेंगे, उसको होमवर्क देंगे, उसको बोलेंगे भैया तू ये कर, एक्टिविटी कर, फलाना ढिमकाना, पढ़ाएंगे नहीं उसको। माँ बाप से वहां भी पैसे लिए जाएंगे, फिर वो माँ बाप डर के ट्यूशन भी भेजेंगे, फिर बच्चा ट्यूशन भी आएगा, वो स्कूल जाएगा, फिर ट्यूशन जाएगा, फिर सो जाएगा, और देश का कोई कल्याण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, क्योंकि वो नौकर ही तो बनाना चाहता है। हम नौकर ही तो है सब, क्या बनाना चाहते हैं मुझे बताना। तुम्हारा लाइफ का एक इंटेंट क्या है? अभी 10th पास करके अच्छे नंबर ले आऊं, 11वीं 12वीं में IIT जेई की तैयारी करूं, IIT जाऊं, अच्छी नौकरी लगे। नौकरी तो बनना है ना तुमको, क्या बनना है? एट द एंड तुम्हारा गोल यही है, अच्छी नौकरी लगेगी तो अच्छी छोकरी मिलेगी। नौकर बनने के लिए तो कर रहे हो तुम सब, बात बड़ी कटाश होगी, तुम्हें लगेगा कि आदमी फालतू ज्ञान दे रहा है, लेकिन ये सत्य है। और ये आदमी खुद वो फेस कर चुका है, तो वो आदमी फेस करने के बाद ही तुम्हें बता रहा है कि जाके पैर ना फटे बवाई ओ का जाने पीर पराई। जिसके पैर में लगी नहीं है उसे दर्द का कभी एहसास नहीं होता, जिसको लगी वो तो उसको दर्द का एहसास है। कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही घटिया है जो कि बच्चों को नौकरियों के लिए फोर्स करता है। बिट्स पिलानी बहुत बेहतरीन कॉलेज है, मैंने आज स्टोरी लगाई थी, आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे, वहां मैंने बहुत उसको प्रेस किया। उस कॉलेज ने कहा है कि आपको 1 साल 4 साल की इंजीनियरिंग में, आपको 1 साल स्टार्टअप बनाने के लिए दिया जाएगा। देखिए क्या बेहतरीन पॉलिसी है। आज गर्व महसूस होता है कि हम उस देश में रहते हैं जो कि नौकरी के लिए फोर्स नहीं कर रहा है कॉलेज, वो कह रहा है नौकरी नहीं तुम खुद की कंपनी खोलो। ये है बदलाव, ये बदलाव है हमारे देश में। एक कॉलेज कह रहा है कि आप अपनी कंपनी खोलो, आप मालिक बनो। अच्छी बात है, अच्छी सोच है, और वो बच्चे बनेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें एक थॉट प्रोसेस है। हमारे अंदर क्या थॉट प्रोसेस है? हमें नौकर बनना पसंद है, क्योंकि ये नौकरी का सिस्टम हमारा नहीं था, ये स्लेव सिस्टम ब्रिटिशर्स लाए कि इनके एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बनाओ कि ये नौकर बने, क्योंकि उनको तो आपको नौकर ही बना के रखना था ना। अगर ब्रिटिशर्स आपको नौकर बनने से ऊपर आने देते तो वो राज कैसे करते? तो जिसको राज करना है वो नौकरी की बात नहीं करेगा। सर आपके बोर्ड में कितने आए थे? भाई मैं बोर्ड का टॉपर रह चुका हूं, 96% थे मेरे बोर्ड में, पर मेरे को तो पता है ना कि मेरे को पता है कि उस सिस्टम से मैं अफेक्टेड रहा हूं, तो मैं आप ही को बता रहा हूं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे से आज तक किसी इंटरव्यू में किसी ने नहीं पूछा, मैंने इतने इंटरव्यूज क्लियर की, भैया आपके कितने 10th में नंबर थे, और मैंने इतने हजारों इंटरव्यू ले ली, लेकिन मैंने कभी सामने वाले से नहीं पूछा भैया जी आपके नंबर कितने थे, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एट द एंड किस चीज से फर्क पड़ता है? क्या नंबरों से फर्क पड़ेगा? नहीं। अगर कोई इंसान आपको बोल रहा है कि नंबरों से फर्क पड़ रहा है तो आपको बेवकूफ बना रहा है। नंबरों से फर्क इतना पड़ेगा कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद भी मेहनत करनी पड़ती है। कॉलेज में जाके मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो हर चीज का एट द एंड गोल है हार्डवर्क, है ना। ये नंबर वंबर किस लिए है मेरे को बता दो, नंबर का क्या एडवांटेज है? बस 60% ले आओगे 10वीं में तो एजुकेशन लोन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। भारत सरकार के बैंक तुमको जितने नेशनलाइज बैंक के लोन दे देंगे बस, बाकी तो फिर घर में पड़ी रहती है मार्कशीट, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई कि तुम्हारी मार्कशीट में क्या है, तुम इंसान कैसे हो ज्यादा फर्क पड़ता है ना। देखो यार पेरेंट्स तो चिल्लाते हैं, मैं समझता हूँ, मेरे साथ भी था, सबके साथ ही होता है, संसार है, हमारे माता पिता एजुकेशन सिस्टम को फोकस करते हैं। क्योंकि दिक्कत ये है कि हम मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग हैं, हमारे लिए ऐसा होता है कि जीवन का परिवर्तन सिर्फ भारत में एजुकेशन से आ सकता है, इसीलिए वो लोग परेशान रहते हैं। उन्हें लगता है कि जो हमने किया हमारे बच्चे ना करें, हमारे बच्चे बेहतर इंसान बन सके। जैसे मेरे माँ बाप ने भी किया, बहुत स्ट्रगल किया है, सुबह 5 बजे उठ के ट्यूशन लेना, फिर स्कूल जाना, फिर स्कूल से आके ट्यूशन लेना, मेरी मदर ने किया है। तो एवरीबॉडी डू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, क्योंकि हमारे सोसाइटी में माहौल ही ऐसा है। तो वो भी सही है, वो भी सही है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, वो अपना कर्म कर रहे हैं, तुम अपना कर्म करो। पर एक घर के अंदर एक इंसान ऐसा होता है जो पूरे खानदान का नक्शा बदलने का दम रखता है, आई थिंक वो तुमसे ही हो, क्या पता वो तुम हो जो खानदान का नक्शा बदल दो, शायद उस खानदान की सोच बदल जाए, तुम्हारे आने वाले बच्चे एंटरप्रेन्योर बने, नौकरी ना करें, नौकरी दे। बाकी
नंबरों से कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हारे माँ बाप को भी पता है, आज वो भी एक जिंदगी जी रहे हैं, शायद वो खुश है शायद वो नहीं है। बहुत सारे लोगों के माँ बाप खुश होंगे, बहुत सारे लोग नहीं होंगे। जो खुश है जरूरी नहीं है कि वो नौकरी करके आए हैं या पढ़ाई करके आए हैं। आप देखिए भारत के टॉप 100 सक्सेसफुल लोग बता दीजिए, आपको कोई भी एजुकेशन सिस्टम से निकला हुआ इंसान नहीं मिलने वाला, जो कि कन्वेंशनल करियर से पढ़ के आए कि ओ भैया 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 जेई के टॉपर बनेंगे, ओ नीट के टॉपर बनेंगे, ओ के आईआईटी टॉप कर लिया ओके अब तो मैं रिच बन गया। हुआ कैसा? अरे हुआ क्या, नहीं हुआ ना। भारत के टॉप बिलियनर 100 की लिस्ट उठा के दे देना मेरे को, बता देना कितने लोग उसके अंदर से आईआईटी से हैं। एक दो मात्र होंगे, क्या सारे हैं? क्या सारे हैं? क्या नहीं मिलेंगे। तो कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम से लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं बनते, थोड़ा रिलेटिव टर्म है, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये बातें तुम्हें कोई बताने वाला नहीं है, और किसी को तो बतानी है ना, क्योंकि हर इंसान की, भगवान श्री हनुमान को हनुमान किसने बनाया? आज मैं तुमसे पूछता हूं, भगवान श्री हनुमान को हनुमान किसने बनाया? भगवान श्री हनुमान जो तुम्हारे हनुमान जी है ना, उनको हनुमान जी बनाया श्री राम ने। वो तक वानर थे, उनका जो बिहेवियर था वो वानरों जैसा था। उन्हें जिंदगी का रियलाइजेशन कराया भगवान श्री राम ने, जब वो उनसे मिले। कब मिले? जब सुग्रीव से उनकी बात हुई थी कि सुग्रीव उनको सपोर्ट करेंगे कि वो लंका पे आक्रमण करेंगे, या लंका का तब पता नहीं था, उन्हें पता था कि हमें चार डायरेक्शंस पे सीता माता को ढूंढना है, और सुग्रीव ने वादा किया था, है ना, भगवान श्री राम से वादा किया था कि हम करेंगे। अब जब वो जाने वाले थे तो वहां पे वर्षा ऋतु आ गई, तो उन्होंने कहा कि भाई वर्षा ऋतु आ गई, वर्षा ऋतु के बाद ढूंढेंगे। तो तब तक हनुमान जी, जब तक वर्षा ऋतु चल रही है तब तक तो भैया हमारे सुग्रीव महाराज तो अपना अंदर डांस वांस देखते रहते थे। हनुमान जी भगवान श्री राम के साथ रहते थे, तो उन्होंने सब भगवान श्री राम से सीखा। अब मैं तुमको ये नहीं कह रहा कि मैं श्री राम हूं, मैं पॉसिबल नहीं है हमारे लिए भगवान राम बनना। मैं बता रहा हूं कोई ना कोई इंसान आएगा जो तुम्हें कुछ ना कुछ शायद ज्ञान की बात बता के चला जाए। अब वो तुम्हें ढूंढना है कि वो तुम्हारी जिंदगी में कौन है, यू हैव टू सर्च फॉर दैट पर्सन। ये मैं टाइम दे रहा हूं, शायद हमारे लेक्चर का टाइम जा रहा है, बट आई थिंक ये ज्ञान जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत जरूरी है। मेरे को भी किसी ने दिया था, तो शायद बहुत सारे बदलाव आए। आई थिंक आपको भी कोई दे रहा है, तो आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ जो हो रहा है ना, मुझे पता है वो जाति हो रही है। एज एन एजुकेटर मुझे पता है कि तुम्हारे साथ जाति हो रही है, एंड आई कैन फील दैट पेन, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं, मुझे सब पता है भाई, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ।